देखिए लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशंस में क्लोजिंग स्टॉक की डेफिनेशन की थी। अब के लेक्चर में हमें कंप्लीट करना है, आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लोजर्स। देखिए क्लोजिंग स्टॉक का हमने कंप्लीट किया था, अब आगे का पॉइंट हमारा कौन सा है, डेटर्स का पॉइंट है। सो सबसे पहले ध्यान से समझिए डेटर्स किसे कहते हैं। डेटर्स दैट मींस हम जिसको क्रेडिट में गुड्स सोल्ड आउट करते हैं ना, दे आर आवर डेटर्स। हम जिनको क्रेडिट में गुड्स सोल्ड आउट करते हैं वो पर्सन हमारे डेटर्स है, राइट। हम जिसको भी क्रेडिट में गुड्स सोल्ड आउट करेंगे वो क्या होगा, हमारा डेटर्स, राइट। वो पर्सन को डेटर्स बोला जाएगा, उसके पास से हमें पैसे लेने हैं, राइट। व्हेन अ बिजनेसमैन सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू हिज ओन कस्टमर, हम हमारे कस्टमर को जो क्रेडिट में गुड्स सोल्ड आउट करते हैं दोस्त कस्टमर आर कॉल्ड एज डेटर्स, उसको क्या बताया जाता है भाई, डेटर्स। डेटर्स आर ट्रीटेड एज करंट एसेट्स, वो क्या है हमारे लिए करंट एसेट्स। चलिए ध्यान से सुन लीजिए, हम जिस पर्सन को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड आउट करते हैं वो पर्सन हमारा डेटर्स है। व्हेन अ बिजनेसमैन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट दैट और कस्टमर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अ कस्टमर दैट कस्टमर नोन एज डेटर्स ऑफ द बिजनेस एंड डेटर्स आर द करंट एसेट्स, ओके। हम जिसको भी देखिए सेल्स तो करेंगे, क्रेडिट में सेल्स करेंगे, 2 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद वो पैसे देगा, तो ऐसा जो भी हमने सेल आउट किया हुआ दैट इज कॉल्ड दैट पर्सन कॉल इज डेटर्स। नाउ नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, आगे मैंने पॉइंट करवाया था बिल्स का, मैंने ऐसा बताया था वन ऑफ द इज बिल्स रिटर्न, यानी टू पार्टीज होती है, वन पार्टी बिल रिटर्न करती है और अदर पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है। जस्ट लाइक मैंने किसी को गुड्स सोल्ड आउट किया, राइट, क्रेडिट में सोल्ड आउट किया, बट मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई तू पैसे कब देगा, तो वो पर्सन बता रहा है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि वो ऐसा बता रहा है कि 1 मंथ के बाद आपको पैसे दूंगा, तो मैंने उसको ऐसा बताया कि भाई मैं बिल्स ड्रॉ करता हूँ, मैं लिखता हूँ, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट। तो हमने बिल ड्रॉ किया और उसने एक्सेप्ट किया, बिल में ऐसा लिखा है दिस पर्सन उसके पास से हमें इतने पैसे लेने हैं, वन टाइप ऑफ चेक जैसा ही होता है, इतने पैसे लेने हैं और इस डेट को वो पैसे देगा। हम जो रिटर्न करते हैं वो ड्रॉ करते हैं वो साइन करेंगे और वो जो एक्सेप्ट करता है वो साइन करेगा कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो फिर बिल हमें दे देगा। दैट बिल इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल फॉर अस, क्योंकि दैट इज अवर रिसीवेबल, हमें उसके पास से पैसे इन फ्यूचर लेने हैं। तो देखिए बिल्स रिसीवेबल इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट वेयर देयर आर टू पार्टीज, one is writer and other is acceptor, one bill writer होता है और other acceptor होता है। Where bill writer acquires right to receive certain amount as per the predetermined date, यानी जो bill writer होता है वो पैसे लेने के लिए उसके पास right है on the predetermined date and in future it is become receivable, ये उसके लिए क्या हो जाएगा, receivable हो जाएगा। Okay, so that is bills receivable. Bill writer acquire right to receive certain amount as per the predetermined date in the future, and this written document is known as bills receivable, right? ऐसे ध्यान कर रखना है। So bills receivable is a written document. There are two parties. One is the bill writer and other is the bill acceptor. Then bill writer acquire right to receive the amount on predetermined date. And in future, and that particular bill is known as bills receivable, right? Then next receivable. अब हमारा टॉपिक है receivable. Receivable यानी क्या होगा? देखिए, any amount to be received by businessman in future, यानी businessman को future में जो amount received करनी बाकी है, that is called that person is known as receivable. That person or persons is known as receivable. भाई हमें जिसके पास से पैसे लेने बाकी है वो हमारा receivable है, right? उसमें क्या क्या देखिए ना, any amount to be received by the businessman या तो by the business ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, any amount to be received by the business in future from any person or persons is known as receivable. हमें business में किसी भी person के पास से जो amount लेनी बाकी है वो हमारे लिए receivable है,
एनी पर्सन किसी के पास से भी पैसे लेने बाकी वो क्या है हमारे लिए रिसीवेबल है। जस्ट लाइक ये जो डेटर्स होते हैं ना अभी हमने डिस्कस किया जिसको हम क्रेडिट में गुड्स सोल्ड आउट करते हैं तो डेटर्स भी हमारा रिसीवेबल ही है। डेटर्स क्या है हमारा रिसीवेबल। वैसे ही हमने किसी को बिल ड्रॉप किया उसने एक्सेप्ट करके हमें बिल दिया वो बिल्स रिसीवेबल हुआ हमारे लिए तो वो भी रिसीवेबल ही है क्योंकि इन फ्यूचर हमें पैसे मिलने वाले हैं। दूसरा आउटस्टैंडिंग इनकम यानी कोई इनकम हमें मिलने बाकी है जस्ट लाइक हमने किसी को गुड सोल्ड आउट करके दिया उसका कमीशन लेना बाकी है तो वो भी हमारे लिए रिसीवेबल ही है। हमारा कमीशन लेना बाकी है तो वो भी हमारे लिए रिसीवेबल ही है वो ध्यान में रखिए। देन नेक्स्ट अगर हमें ध्यान से सुना क्या क्या बताया मैंने डेटर्स देन बिल्स रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग इनकम कोई इनकम बाकी है वैसा नाउ एक्सपेंस पेड इन एडवांस हमने ऐसे एक्सपेंस जो एडवांस में पेड अप कर दिए तो वो भी हमारे लिए रिसीवेबल है। जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पेड अप कर दिए वो भी हमारे लिए रिसीवेबल ही है। चलिए देखिए ध्यान से आपको भी सर एडवांस में पेमेंट कर दिया ऐसे एक्सपेंस सपोज हमारे एम्प्लॉई है उसको हमने 6 महीने का सैलरी पहले से एडवांस में दे दिया अगर वो काम नहीं करेगा तो पैसे वापस लेने होंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा सपोज हमने 1 ईयर की जगह पे 2 साल का पेड अप कर दिया है तो 1 ईयर का तो अभी जो एक्सपेंस होता है बट नेक्स्ट ईयर का भी अभी से पेड अप कर दिया है तो दैट इज बिल एक्सपेंस पेड इन एडवांस वो भी हमारा रिसीवेबल हुआ यानी 4 रिसीवेबल हुए। रिसीवेबल में एक आएगा डेटर्स बिल्स पेड रिसीवेबल देन आउटस्टैंडिंग इनकम इनकम मिलनी बाकी है वो एंड फोर्थ नंबर एक्सपेंस पेड इन एडवांस डेटर्स सेकेंड नंबर बिल्स रिसीवेबल थर्ड नंबर इनकम आउटस्टैंडिंग यानी मिलनी बाकी है वो एंड फोर्थ एक्सपेंस पेड इन एडवांस। चलो देखिए एनी अमाउंट टू बी रिसीवेबल बाय द बिजनेस इन द फ्यूचर फॉर एनी पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन और पर्संस इज नोन एज रिसीवेबल। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर इंक्लूडिंग रिसीवेबल राइट देन रिसीवेबल्स में कमीशन आउटस्टैंडिंग रेंट ऐसे याद रखिए कमीशन आउटस्टैंडिंग देन रेंट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस एक्सेट्रा। देखिए मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए लोन एडवांसेस एक्सेट्रा हमने किसी को लोन दिया एडवांस में पैसे दिए वैसा। देखिए रिसीवेबल में डेटर्स बिल्स रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग इनकम्स एंड प्रीपेड एक्सपेंस ये 4 पार्ट्स उसमें राइट प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेंस पेड इन एडवांस ओके या तो हमने किसी को लोन दिया तो वो भी हमारे लिए रिसीवेबल ओके ये रिसीवेबल फिर से एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द बिजनेस और बिजनेसमैन इन फ्यूचर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्संस आर कॉल्ड रिसीवेबल। रिसीवेबल में मैंने आपको बताया वैसे डेटर्स बिल्स रिसीवेबल थर्ड पॉइंट आउटस्टैंडिंग इनकम जो इनकम मिलनी बाकी है कमीशन रिसीवेबल होगा या तो रेंट रिसीव करना बाकी है ये देन फोर्थ प्रीपेड एक्सपेंस या तो एक्सपेंस पेड इन एडवांस राइट देन नेक्स्ट क्रेडिटर्स। चलिए हमने डेटर्स किसको बताया व्हेन अ बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर अगर वो कस्टमर को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करता है तो वो डेटर्स वो कस्टमर डेटर्स। वैसे ही हम किसी के पास से क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं तो दे आर कॉल्ड क्रेडिटर फॉर अस। अरे भाई हमने किसी के पास से गुड्स परचेज किया क्रेडिट में पैसे इन फ्यूचर देने वाले तो वो पर्सन क्रेडिटर्स यानी याद रखिए अगर क्रेडिट सेल्स होता है ना तो वो पर्सन डेटर्स और अगर क्रेडिट परचेज हुआ ना तो वो पर्सन क्रेडिटर्स। देखिए एज अ बिजनेसमैन डस क्रेडिट सेल्स a person from whom goods are purchased on credit that particular person becomes creditor for business. dekhiye as businessman does credit sales a person from whom goods are purchased hame jiske paas se goods purchase karne on credit that particular person becomes creditor or business but creditors of business hum jiske paas se credit mein goods purchase karte hain wo hamare liye kya hai creditors then next बिल्स पेबल सेम वन अभी मैंने आपको बताया था इसमें 2 पार्टीज होती है एक बिल्स ड्रॉअर दूसरा बिल्स एक्सेप्टर। जो बिल्स ड्रॉ करता है लिखता है जो बिल राइट ध्यान से समझना जो बिल्स ड्रॉ करता है और वो जो ड्रॉ भी है और
जो एक्सेप्ट करता है, ड्रॉ करता है उसके लिए पैसे लेने हैं, दैट मींस उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, बट जो एक्सेप्ट करता है उसको उसको पैसे देने हैं तो उसके लिए वो बिल्स पेएबल है। क्या है उसके लिए वो बिल्स पेएबल। फिर से हम मैं लिख रहा हूं और दूसरे ने एक्सेप्ट किया तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, बट जिसने एक्सेप्ट किया उसके लिए बिल्स पेएबल। चलिए देखते हैं एनी अमाउंट, सॉरी क्या है बिल्स पेएबल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट वेयर देयर आर टू पार्टीज बिल्स राइटर एंड बिल्स एक्सेप्टर। इन दिस रिटन बिल एक्सेप्टर एक्सेप्ट रिटर्न रिस्पांसिबिलिटी टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑन स्पेसिफाइड डेट, दैट पर्टिकुलर बिल इज कॉल्ड बिल्स पेएबल। सेम ही है, उसमें रिसीवेबल होगा, इसमें एक्सेप्ट टू पे। ओके देन नेक्स्ट पेएबल्स एनी अमाउंट। देखिए यहां पे रिसीवेबल में क्या होता है, एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द बिजनेसमैन इन फ्यूचर। यहां पे एनी अमाउंट टू बी पेड बाय द बिजनेस इन फ्यूचर, इसमें रिसीव करना होगा, इसमें पे। एनी अमाउंट टू बी पेड बाय द बिजनेस पर्सन इन फ्यूचर, एनी पर्सन और पर्सन इज नोन एज पेड। उसके लिए हम क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, प्री रिसीव्ड इनकम, ये सब होगा। देखिए मैं बता देता हूं, एक क्रेडिटर जिसके पास से हम गुड्स परचेस करते हैं उसको पेएबल ही बोलते हैं, उसे पैसे पे रखते हैं। दूसरा बिल्स पेएबल, यानी जो मैंने लिखा तो मेरे बिल्स रिसीवेबल, जिसने एक्सेप्ट किया तो उसके लिए बिल्स पेएबल। देन थर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड करना बाकी है हमारे यहां, इसको सैलरी पेड करनी बाकी है, वेजेस पेड करनी बाकी है, रेंट पेड करना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एंड प्री रिसीव्ड इनकम, यानी इनकम पहले से मिल जाए, जस्ट लाइक आपने अभी से मुझे 12th की फीस पेड अप करनी, पेड अप नहीं की बट अगर आपने पेड अप करनी और अगर आप 12th मेरे पास नहीं पढ़ते हो तो वो पैसे मुझे वापस देने पड़ेंगे, दैट इज प्री रिसीव्ड इनकम, यानी इनकम पहले से मिल गई जो हमें वापस देनी पड़ेगी, दैट इज आल्सो लायबिलिटीज फॉर अस। यानी क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्री रिसीव्ड इनकम, दोनों में फर्क समझना। पेएबल में क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहां पे था आउटस्टैंडिंग इनकम, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यहां पे एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ऐसा आ रहा है समझ में। दोनों में फर्क है, इसमें पेएबल हमें पैसे पेड अप करने हैं, इसमें रिसीवेबल हमें पैसे लेने हैं, आ गया समझ में। नेक्स्ट कॉस्ट, देखिए कॉस्ट यानी क्या, सिंपल थिंग समझो, सपोज ये पेन है, ये पेन की कंपनी है मेरी, समझिए कि मुझे मैं स्टेशनरी का ये पेन बना, इसकी कॉस्ट यानी ये जो पेन है उसमें 3 रुपीज का प्लास्टिक मटेरियल लगता है, 3 रुपीज इसके जो वेजेस होते हैं जो बनाने वाला उसको पर हेड 3 रुपीज देने पड़ते हैं, 6 रुपीज हुआ ऐसे, राइट। देन उसको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, दैट मींस जो स्टेशनरी शॉप होती है वहां तक मुझे उसे पहुंचाना होता है, उसका एक्सपेंस समझिए 2 रुपीज होता है, तो दैट मींस इसकी कॉस्ट हुई 1 रुपीज और मैं उसको सेल आउट कर रहा हूँ 10 रुपीज, यानी 2 रुपीज मेरा प्रॉफिट। कॉस्ट यानी क्या, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए इसके पीछे जो भी एक्सपेंसेस हुआ उसका टोटल, दैट इज कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए उसके पीछे जो भी एक्सपेंसेस होता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। देखिए टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड एनी सर्विस, व्हाटएवर एक्सपेंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट, टू प्रोवाइड एनी सर्विस, व्हाटएवर एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड, दैट द सम ऑफ दीस एक्सपेंसेस इज कॉस्ट। इन सब का एक्सपेंसेस का जो टोटल होता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। क्लियर हो गया। फिर से टू प्रोवाइड एनी प्रोडक्ट, टू प्रोवाइड एनी सर्विस, व्हाटएवर एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड, द सम ऑफ दीस एक्सपेंसेस इज कॉल्ड कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। बोलिए क्लियर, इस तरह से ये पॉइंट करना है, ये सभी डेफिनेशन 2 times लिखने ना करनी है। अब सिर्फ 2 ही लेक्चर चलेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।